बारिश यार दोस्तों अच्छी खासी हो गई है, जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी उस हिसाब से यार दोस्तों बारिश अच्छी हो गई। छतरी डाल के पापा हो गए हैं तैयार, बकरियां अभी खोली नहीं है, अभी गोटी में ही है, बारिश में ही लेके जा रहे हैं पापा चराने के लिए, क्योंकि यार इनके लिए अगर बारिश दिन भर ऐसी होती रही तो पापा बोल रहे हैं इनको क्या खिलाएंगे। पास जो फूल का पेड़ है ये भी बारिश में अच्छा खासा खिला हुआ। बारिश की वजह से ना शिमला मिर्च का पौधा टेढ़ा हो गया था, उसको गई है सीधा करने के लिए। 20 दिनों के बाद आज लेके आ रहा हूँ अपने बैल को जंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते, पहला स्वागत है दोस्तों आपका एक नए ब्लॉग में, पहाड़ की इन हसीन वादियों से, मेरे गांव मेहर गांव से। दोस्तों यार सुबह के 9 बजे हैं, कल रात से यहां पर हो रही है बारिश। हो रही है बारिश यार दोस्तों अच्छी खासी हो गई है, जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी उस हिसाब से यार दोस्तों बारिश अच्छी हो रही है। और पापा भी जाने लगे हैं जंगल बकरी चराने के लिए। ये देखो यार दोस्तों, छतरी डाल के पापा हो गए हैं तैयार, बकरियाँ अभी खोली नहीं है, अभी गोटी में ही है, मम्मी आ गई आने के लिए। दोस्तों पापा बारिश में ही जा रहे हैं, ये देखो यार दोस्तों एक एक करके हमारी बकरियां खोल दी हैं। 2 गोट में हमारी बकरी रहती हैं, एक इस वाले में एक उस वाले में। बारिश में ही लेके जा रहे हैं पापा चराने के लिए, क्योंकि यार इनके लिए अगर बारिश दिन भर ऐसी होती रही तो पापा बोल रहे हैं इनको क्या खिलाएंगे, क्योंकि इनके लिए हरा चारा ज़रूरी है यार। ये देखो छोटी पट्टियाँ भी जाने लग गई हमारी जंगल। एक पट्टी दोस्तों यार जो छोटा ही है वो घर ही में रहेगा, वो पीछे पीछे आ रहा है, देखो बकरियों के साथ चल नहीं पाता है। पापा बोले इसको घर ही में छोड़ो। बारिश का कोई पता नहीं है यार दोस्तों, ये दिन भर हो सकती है, ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है। बकरियों का मन नहीं कर रहा आज जाने का, कोई नहीं जाना ही हो यार दोस्तों। घर के पास जो फूल का पेड़ है ये भी बारिश में अच्छा खासा खिला हुआ है। बकरी पहुंचाने के लिए मम्मी जा रही, आगे आगे पापा जा रहे, पीछे जा रही सारी हमारी बकरियां। बकरियों का मन नहीं कर रहा यार आज जंगल जाने का। देखो जैसे ही दोस्तों बकरी हमारी जंगल गई और अंजलि की मम्मी करने लग गई है इधर छिन की सफाई, और अब मेरे को भी लेके जाना है यार अपने बैल को चराने के लिए। आज दोस्तों उसको 20 दिन के बाद लेके जा रहा हूँ, अगर बारिश यार थोड़ी बहुत बंद होती है तो उसके बाद ही लेके जाऊंगा उसको चराने के लिए। मम्मी गई थी बकरी पहुंचाने के लिए और इधर चली गई है अब नीचे खेत में, बैगन और शिमला मिर्च के खेत में चली गई है। पता नहीं यार दोस्तों क्या कर रही है और क्या करने गई है ये भी पता नहीं है। दोस्तों यार इसलिए गई है क्योंकि बारिश की वजह से ना शिमला मिर्च का पौधा टेढ़ा हो गया था, उसको गई है सीधा करने के लिए। मम्मी ने उसकी जड़ में डाल दी है मिट्टी, और गाँव वालों के भी बकरियाँ जाने लगी हैं जंगल। देखो यार दोस्तों ये जा रही है डोरी चाचा की। दोस्तों यार 20 दिनों के बाद आज लेके आ रहा हूँ अपने बैल को जंगल। ये देखो यार आगे आगे गांव वालों के बैल जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहा है। दोस्तों यार अभी अच्छी तरह ठीक हुआ नहीं है ये, लेकिन पापा बोल रहे हैं इसको छोड़ के आ जंगल चराने के लिए। थोड़ी देर 1-2 घंटे इनको और बैलों के साथ भी घुमा के लेके आ, बहुत दिन हो गए यार घर ही में, इस वजह से दोस्तों मैं इसको लेके आज जा रहा हूँ। 20 दिनों के बाद जा रहा है यार दोस्तों ये जंगल चरने के लिए, लेकिन वैसे ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अच्छी तरह ठीक हुआ नहीं, पूरे शरीर में अभी इसके बाल आए नहीं है। बारिश के बाद गांव का एक सुंदर सा दृश्य, ये देखो दोस्तों सीढ़ीनुमा खेत कितने सुंदर दिख रहे हैं। बारिश के बाद धान के खेत भी हो गए हैं हरे, पहली गुड़ाई जो है धान की कर दी है। ये देखो यार दोस्तों नीचे है घटगाड़ गांव, ये हमारी ग्राम सभा में पड़ता है। रातों रात होई 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 बाघ के बनी बकर को ले जाल और नहीं तुमने रोय ली उन ना ना तुम को क्यों ले जाए बकर, तो पहली बाघ ये बकरन को ले जाल ना 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 तुम उनको नहीं जाओ, बाघ बाघ तो ये सोल ना बढ़िया मीट मिल लो मेरे को, आज पहले बकरन को खा लो, जब ये पेट नहीं भरी हो लो फिर खा लो तुम उनको। हाँ हिटो 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 चलो खाओ।